हेलो व्यूवर्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम जेफरी चौसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लिटरेचर से हैं तो आप जानते हैं जेफरी चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम चौसर की लाइफ के बारे में एंड उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए एंड यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने इन स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जेफरी चौसर की लाइफ के साथ। चौसर का जो लाइफ स्पैन है वो 1340 से 1400 के बीच में है। चौसर अपने टाइम पे एक बहुत बड़े डिप्लोमेट माने जाते थे, सिंस रॉयल्टी के साथ या ये कहें मोनार्की के साथ, रॉयल फैमिली के साथ इनके बहुत अच्छे कनेक्शन थे। सिंस चाइल्डहुड ये वहाँ पर सर्विस करते थे, रॉयल फैमिली के लिए काम करते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने जो रॉयल कनेक्शन है वो डेवलप किए, जिसका लाइफ लॉन्ग बेनिफिट इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में और डिफरेंट प्रमोशंस के फॉर्म में मिलता रहा। तो जेफरी चौसर, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, तो डिप्लोमेटिक मिशंस पे ये जाते रहे। और लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से इनके दो डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है इनका डिप्लोमेटिक मिशन टू फ्रांस, दैट टुक प्लेस इन 1370, एंड द डिप्लोमेटिक मिशन टू इटली, जो कि इन्होंने दो बार किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने इटली को विज़िट किया है 1372 से 73 के बीच, और सेकंड टाइम इन्होंने इटली को विज़िट किया है 1378 में। सो क्यों ये दोनों डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? इसका रीज़न ये है कि इन नेशंस के कांटेक्ट में जब चौसर आए थे, मीन्स जब वो फ्रांस गए थे या फिर वो इटली गए थे, तो वहाँ का लिटरेचर और वहाँ का जो कल्चर था उसने चौसर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिसका इम्प्रेशन हमको इनके वर्क्स में डायरेक्टली देखने को मिलता है। बहुत अपेरेंटली हमको वहाँ का लाइक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ना सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज के लिटरेचर का नॉलेज जेफरी चौसर को था, बल्कि जो लंदन का अर्बन लाइफस्टाइल था और फैशन था, उसकी भी बहुत अच्छी नॉलेज जेफरी चौसर रखते थे। जब हम उनकी कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने हर एक स्टाटा सोसाइटी का, जो हर एक स्टाटा होता है, वहाँ से कैरेक्टर्स को डिराइव किया है। और लंदन की जो सोशल कंडीशन थी उसको उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ फ्रेंच राइटर्स को और कुछ इटालियन राइटर्स को भी मेमोराइज करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इनके वर्क्स पे रहा। कुछ फ्रेंच राइटर्स को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, गुलाम डी मोशॉट, जीन फॉयसार्ट एंड डैश चैम्प्स। ये हैं वो फ्रेंच राइटर्स जिनका इम्पैक्ट चौसर के ऊपर था। और कुछ इटालियन राइटर्स भी हमारे पास हैं, लाइक डैंटे, बोकैशो एंड पेट्रार्क। सो डैंटे जो हैं वो बहुत बड़े पोएट हैं इटली के, या हम कहें रोम के। डैंटे ने डिवाइन कॉमेडी लिखी है, और डैंटे का इन्फ्लुएंस द हाउस ऑफ फेम, जो कि चौसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, ये भी चौसर का ही वर्क है। इस पे भी एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता है डैंटे का। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फ्रेंच एंड इटालियन राइटर्स, कुछ क्लासिकल पोएट्स का भी इन्फ्लुएंस था चौसर के ऊपर, जैसे वर्जिल, ओविड एंड सिसेरो। यहाँ पर एक कोटेशन है मैथ्यू आर्नल्ड का, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कोटेशन को डायरेक्टली पूछा गया है, लाइक हु रिमार्क्ड दिस अबाउट जेफरी चौसर। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड, आपने इनका नाम सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट एंड क्रिटिक हैं विक्टोरियन एज के। इन्होंने जेफरी चौसर के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ विद हिम दैट अवर
real poetry was born. So here Arnold is appreciating Geoffrey Chaucer that ये सिर्फ Geoffrey Chaucer की वजह से है कि जो real poetry है, real poetry का जो concept है वो existence में आया. So इस quotation को भी आप याद रखिएगा. अब हम कुछ important works Geoffrey Chaucer के mention करने जा रहे हैं. So first important work of Geoffrey Chaucer is Romance of the Rose. Romance of the Rose एक poem है जो कि Geoffrey Chaucer ने कुछ French writer से influence होकर लिखी थी. French writer Guillaume de Lorris and Jean Moon, इन दोनों ने एक poem लिखी है Roman de la Rose. So if we translate this title into English, it becomes Romance of the Rose. तो Roman de la Rose का ही translation है Romance of the Rose. So Geoffrey Chaucer ने इस poem को compose नहीं किया है, उन्होंने इस poem को translate किया है Romance of the Rose को. So Romance of the Rose as a kind of dream allegory. Now dream allegory क्या होती है, देखिए dream allegory को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि चौसर का जो टाइम है उसमें ना सिर्फ चौसर ने ड्रीम एलेगरीज लिखी हैं बट इनके कॉन्टेम्प्रेरीज ने एंड इनफैक्ट इनके सक्सेसर्स ने, जो पोएट्स इनके बाद आए हैं, उन्होंने भी ड्रीम एलेगरी में लिखा था. सो ड्रीम एलेगरी में एक कन्वेंशन इस तरह से था कि कोई नरेटर हमारे पास इंट्रोड्यूस किया जाता था और वो नरेटर सो जाता है. जब वो सो रहा है तो उसको जो भी ड्रीम हो रहा है वो अपने ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ यहाँ पर जो रोमांस ऑफ द रोज ये पोएम है, ये जो पोएम है इसमें भी नरेटर पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, देन ही टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम, और अपने ड्रीम में वो एक बहुत अच्छा व्यू प्रेजेंट करता है नेचर का, और वहाँ पर वो एक एक लवर को मिलता है और लवर उससे जो भी बातें करता है उसको वो पोइटिक फॉर्म में कन्वे करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रीम एलेगरी. ड्रीम एलेगरी मीन्स एक ड्रीम विजन हमारे पास आएगा, एंड एलेगरी मीन्स बिल्कुल एक एलेगरिक पैटर्न के साथ एक बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में उसको नरेट किया जाएगा. तो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रोमांस ऑफ द रोज के बारे में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ Geoffrey Chaucer इज़ द बुक ऑफ द डचेस. Book of the Duchess is again a dream allegory. It came out in 1369. Not came out, sorry. It was composed. उस वक्त ये publish नहीं हुई थी, क्योंकि आप अगर literary history से familiar हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है publication होने का काम है या फिर प्रिंटिंग प्रेस है, ये तो बहुत लेट हमारे पास इंग्लैंड में आई है. तो ये जो था मैन्युस्क्रिप्ट इसका था द बुक ऑफ द डचेस, इसको चौसर ने लिखा है 1369 में. सो इट इज़ अगेन अ ड्रीम एलेगरी. ये भी एक ड्रीम एलेगरी है एंड इट इज़ इन द कन्वेंशन ऑफ द फ्रेंच पोएट मैशॉट. सो मैशॉट वो फ्रेंच पोएट हैं जिनसे इंस्पायर होके द बुक ऑफ द डचेस लिखी है, और इसका जो पोइटिक मीटर है वो है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स. इस मीटर को फॉलो करके इस पोएम को Geoffrey Chaucer ने कंपोज किया है. नाउ थोड़ा सा हम इस वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर होता है. देखिए द बुक ऑफ द डचेस, जैसे मैंने बताया, एक ड्रीम एलेगरी है और बिल्कुल उसी पैटर्न में यहाँ पर सारी इवेंट्स होती हैं. तो एक नरेटर हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है द बुक ऑफ द डचेस में. जो नरेटर है ही हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंसोम्निया. इंसोम्निया मीन्स नींद ना आने की बीमारी. तो उसको नींद नहीं आ रही है. सो जस्ट टू पास हिज टाइम वो क्या कर रहा है, ही रीड्स सीक्स एंड एल्कोएन. सीक्स एंड एल्कोएन इज अ बुक. फाइन, तो ये एक बुक है सीक्स एंड एल्कोन, शायद ये शिसेरो की बुक है. तो सीक्स एंड एल्कोन को ये पढ़ रहा है, और इस बुक के अंदर जूनो एंड मॉर्फियस का एक एपिसोड आता है. जूनो एक मैसेंजर है. किसका मैसेंजर है, मॉर्फियस का है. एंड मॉर्फियस कौन है, मॉर्फियस इज़ द गॉड ऑफ स्लीप. स्लीप मतलब नींद का गॉड है मॉर्फियस, और उसका जो मैसेंजर है जूनो
इन दोनों के बारे में एक एपिसोड है, उसको नरेटर पढ़ रहा है। तो इस एपिसोड को पढ़ते पढ़ते नरेटर सो जाता है। अब जब नरेटर सो रहा है तो उसे ड्रीम होता है। ड्रीम को अब यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। नरेटर अपनी ड्रीम के बारे में बताता है। तो अपनी ड्रीम में नरेटर एक फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पे लिखा गया है द नरेटर फाइंड्स हिम इन अ फॉरेस्ट वेयर इन अ हंट इज़ इन प्रोग्रेस। तो वहाँ पर हंटिंग की जा रही है, मीन्स वहाँ पर शिकार किया जा रहा है। तो नरेटर उस जगह पे पहुँचता है एंड वहाँ पर जब वो हंटिंग देख रहा है, राइट, तो एक बिरीव्ड ड्यूक को वो मिलता है। बिरीव मीन्स ही वॉज लाइक ग्रिफ स्ट्रिकन, या बहुत दुखी सा वो है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। सो दिस ड्यूक कम्स अक्रॉस द नरेटर, और जैसे ही नरेटर इससे लाइक मिल रहा है तो ड्यूक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है एन अनफॉर्चुनेट हस्बैंड हुज वाइफ और हुज डचेस हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। तो ड्यूक नरेटर को बता रहा है कि रिसेंटली उसकी वाइफ जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गई है। एंड उस वजह से ड्यूक बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अपना दुख वो नरेटर के साथ शेयर करना चाह रहा है। ड्यूक और द ब्लैक नाइट, तो जो ये ड्यूक है इसको ब्लैक नाइट करके भी मेंशन किया है। ही इज़ लमेंटिंग मीन्स ही इज़ मॉर्निंग और ही इज़ लाइक अपसेट अबाउट द डेथ ऑफ हिज लेट डचेस। दिस इज़ एंड योलॉगी एंड एलिजी। जो ये वर्क है द बुक ऑफ द डचेस, ये एक तरह की योलॉगी है। योलॉगी मीन्स अ पीस ऑफ अप्रिशिएशन, किसी की तारीफ में लिखा गया कोई पीस, किसी की तारीफ के लिए लिखी गई कोई पोएम, उसको हम योलॉगी कहते हैं। बिकॉज ये योलॉगी इसलिए है क्योंकि जो ये ड्यूक है ये अपनी लेट वाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लाइक एडमिरेशन करता है, बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करता है, बहुत उसको प्रेज करता है। एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एलेजी एज वेल। एलेजी मीन्स अ लेमेंटिंग सॉन्ग और अ मॉर्निंग सॉन्ग, जिसमें कोई भी पोएट अपना दुख एक्सप्रेस करता है अबाउट द डेथ ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। तो यहाँ पर वो अपना दुख भी शेयर कर रहा है। सो नरेटर वो सब कुछ हमको बताता है जो ड्यूक उसको उसके सपने में बता के जा रहा है, अपनी डिसीज्ड वाइफ के बारे में, अपनी लेट वाइफ के बारे में। मीनवाइल क्या होता है कि एक कैसल बेल नियर बाय, एक कैसल बेल है, एक कासल है, कासल मीन्स एक किला है कोई, तो वहाँ पर जो वॉच है वो नॉट वॉच, एक क्लॉथ है उसमें 12 स्ट्राइक हो रहा है, मीन्स 12 उसमें बज रहे हैं। तो वो बेल रिंग होती है और उस साउंड की वजह से हमारा नरेटर अपनी नींद से जाग जाता है और इसका सपना जो है वो यहाँ पर टूट जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द हाउस ऑफ फेम। इट वॉज रिटन इन 1374 टू 1385। यस, इट वॉज रिटन बिटवीन 1374 टू 1385। तो इन ईयर्स के बीच में इस वर्क को कंपोज किया गया था। इट इज़ एन अनफिनिश्ड पोएम, चौसर इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो ये पोएम जो है वो अनफिनिश्ड ही रही। एंड अगेन इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है। इट इज़ अगेन अ ड्रीम एलेगरी, ये भी सेम नरेटिव पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये भी एक ड्रीम एलेगरी है। एंड हेयर वी हैव थ्री बुक्स इन दिस पर्टिकुलर वर्क। ये जो बुक है ये तीन कह सकते हैं पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड हेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिवाइन कॉमेडी इज़ अपेरेंट। डिवाइन कॉमेडी का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल अपेरेंट है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है ये बुक। तो उसकी जो बुक वन है उसको हम डिस्कस करते हैं बुक बाय वन, हम बुक बाय बुक हम इसके कंटेंट को समझेंगे। सो बुक फर्स्ट का जो कंटेंट है वो ये है कि हमारा नरेटर अपने सपने में है और अपनी उस ड्रीम के अंदर वो अपने आप को एक टेंपल ग्लास के सामने पाता है। जो ये टेंपल ग्लास है ये एक वीनस के का एक टेंपल है। वीनस गॉडेस ऑफ लव मानी जाती हैं, तो उनका जो टेंपल है वहाँ पर हमारा नरेटर है। और इस टेंपल की वॉल में कुछ स्टोरीज
इनग्रेव्ड हैं, कुछ स्टोरीज लिखी गई हैं। इनमें से एक स्टोरी है अबाउट एनियड विद लेविनिया। एनियड मैरिड लेविनिया। एक तो ये एपिसोड यहाँ पर लिखा गया है इन वॉल्स में, और दूसरा एक और भी एपिसोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस स्टोरी का जो इम्पॉर्टेंट फोकस है, जो मेजर फोकस है, वो इसी एपिसोड के ऊपर है। तो वो कौन सा एपिसोड है? एनियड एंड डीडो। डीडो हैड बीन अ क्वीन, और वो क्वीन थी कार्थेज की। कार्थेज एक स्टेट है जहाँ की क्वीन डीडो थी। तो डीडो एंड एनियड, एनियड हैड बीन अ किंग। तो इन दोनों का एक एपिसोड है जहाँ पर डीडो जो है वो इम्प्लोर करती है एनियड को। शी कॉन्स्टेंटली प्रपोज्ड हिम टू मैरी हर, लेकिन जो एनियड है ही डिफाइड हर प्रपोजल। तो एनियड ने उनको मना कर दिया था, और यही जो स्टोरी है वो यहाँ पर वॉल में जो है वो लिखी गई है। इस बुक की एंड की तरफ जब हम जाते हैं तो हमको एक फ्लाइंग गोल्डन ईगल के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। जो नरेटर है वो ऊपर देखता है और वहाँ पर उसको दिखाई देता है एक ईगल जो कि गोल्डन कलर का है। नाउ क्विकली मूव ऑन टू बुक सेकंड ऑफ दिस वर्क। बुक सेकंड की बिगनिंग में जो नरेटर है वो देखता है कि वो गोल्डन ईगल उसके पास आ रहा है, और उसको वो कैच कर लेता है, कैप्चर कर लेता है अपने क्लॉज के अंदर। मीन्स उसको वो पकड़ लेता है और नरेटर को वो उठा के। सो इट्स अ लार्ज बर्ड। जो ईगल है वो उसके नॉर्मल साइज से ऑफकोर्स से ज़्यादा है। दिस इज़ व्हाई आई टोल्ड यू कि ये ड्रीम एलेगरी है। एलेगरी मीन्स यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो ईगल है इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसने जो हमारे नरेटर है उसको पकड़ा हुआ है अपने क्लॉज के अंदर। फाइन, तो अपने क्लॉज के अंदर नरेटर को कैप्चर करके वो उठाकर लेके जा रहा है। एंड जब हमारा नरेटर इस ईगल के साथ स्काई में है, वो लाइक वो क्योंकि ईगल जो है वो तो उड़ रहा है स्काई में ना, तो इन दोनों के बीच में एक कन्वर्जेशन होती है, और इस कन्वर्जेशन को नरेटर डिस्क्राइब करने लगता है कि क्या वो ईगल उसको बताता है नरेटर को। फर्स्ट तो ईगल बताता है नरेटर को कि वो उसको द हाउस ऑफ फेम में लेके जा रहा है, और वो हाउस ऑफ फेम में इसलिए उसको लेके जा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि नरेटर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो नहीं जानता है, और वो नरेटर को एड्रेस करता है अनहैप्पी मैन बोल के। ठीक है, वो कहता है कि ये जो नरेटर है वो अनहैप्पी मैन है, एंड उसका नाम हमारे सामने रिवील हो रहा है, जेफरी। सो जेफरी इज़ द नरेटर ऑफ द हाउस ऑफ द फेम। नाउ जो ईगल है ना, इसका जो इसकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा डायडेक्टिक हैं। ये बिल्कुल मोरल प्रीचिंग कर रहा है। ये हमारे नरेटर को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपने आप को वो एक सुपीरियर शो करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बिल्कुल जीनियस हूँ, आई एम लाइक आई एम अ वाइज बीइंग। तो मुझे बहुत सारा नॉलेज है। अपना नॉलेज वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है एक तरह से नरेटर के सामने। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक ह्यूमरस एलिमेंट देती है, ह्यूमरस टच देती है इस बुक को। अब हम बुक थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बुक थर्ड ऑफ द हाउस ऑफ फेम बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द गॉड ऑफ साइंस एंड लाइट। एंड ये भी पैराडिसो से, जो मैंने आपको बताया था कि डैंटे ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। डिवाइन कॉमेडी बहुत सारे एपिसोड्स में डिवाइडेड है, और एक एपिसोड है पैराडिसो। ये पैराडिसो एपिसोड डिवाइन कॉमेडी का है, जहाँ पर गॉड ऑफ साइंस एंड लाइट को इन्वोक किया जाता है। बुक थर्ड में भी चौसर ने बिल्कुल उसी पैटर्न में गॉड ऑफ साइंस एंड लाइट को इन्वोक किया है, मींस उनको बुलाया है या फिर इनवाइट किया है। सो बुक थर्ड में हम देखते हैं कि हमारा नरेटर
हाउस ऑफ फेम में पहुंच चुका है। एंड यहाँ पर नरेटर हमें बताता है हाउस ऑफ फेम की लोकेशन के बारे में। ये जो हाउस ऑफ फेम है ये एक आइसी रॉक के ऊपर सिचुएटेड है जहाँ पर कुछ फेमस लोगों के नाम लिखे गए हैं। और जब नरेटर इसके हॉल की तरफ जाता है तो उसको बहुत सारे पोएट्स मिलते हैं, होमर, ओविड, वर्जिल, ऐसे बहुत सारे नेम्स हमारे नरेटर ने मेंशन किए हैं जिनको वो हॉल में देखता है। सो देयर आफ्टर पोएट सीज 8 ग्रुप्स ऑफ पीपल सीकिंग फॉर फेम। 8 ग्रुप आते हैं जिसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये जो लोग हैं ये गॉडेस फेम के पास जा रहे हैं और उनसे प्रे कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेम के लिए। मींस वो चाहते हैं कि लोग उनको जानें, वो पॉपुलर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई गॉडेस ऑफ फेम है, उनको वो प्रे कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से फेमस होना है, किसी भी तरह से पॉपुलर होना है। और जो इसका 8th ग्रुप है वो नरेटर को लेकर जाता है हाउस ऑफ र्यूमर की तरफ। द हाउस ऑफ र्यूमर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारी केजेस हैं, और ये केजेस बिल्कुल लाइक अ मेज, ये एक बिल्कुल मेज की तरह, एक भूल भुलैया की तरह है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जेफरी चौसर, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स। इट वॉज कम्पोज बिटवीन 1380s एंड 90, इन ईयर्स के बीच में इसको लिखा गया था। अगेन अ ड्रीम एलेगरी विच वॉज रिटन इन राइम रॉयल। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि राइम रॉयल को हम राइम रॉयल क्यों कहते हैं, रॉयल का यहाँ पर क्या रेलेवेंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सी इट वॉज किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर मीट्रिकल पैटर्न ऑफ पोएम फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए इसको राइम रॉयल कहा जाता है। जो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड हैं वो एक किंग होने के साथ साथ एक पोएट भी थे, और सबसे पहले उन्होंने ही इस पोएटिक मीटर को प्रैक्टिस किया था, इसीलिए इसको राइम रॉयल कहा जाता है। रॉयल, राइम रॉयल मीन्स किंग जेम्स वन को ही एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है। सो द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, डैंटे की डिवाइन कॉमेडी एंड बोकैशियो की टिसीड से इंस्पायर्ड है। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो एक डिस्कशन हमारे सामने नरेटर ने किया है, और वो डिस्कशन है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ओल्ड बुक्स टू ऐड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए बुक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में पोएट ने अपनी ओपिनियंस को रखा है। तो जिस तरह से द बुक ऑफ द डचेस में हमने देखा कि नरेटर एक बुक को पढ़ करके सो जाता है और फिर वो अपने ड्रीम को डिस्क्राइब करने लगता है, सेम नरेटिव पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होने जा रहा है। यहाँ पे जो नरेटर है वो सोमिनियम सिपियोनिस, ये एक बुक है जिसको सिसारो ने लिखा था, इस बुक को पढ़कर सो रहा है, और अब जो वो ड्रीम देख रहा है उसमें वो सीपियो एफ्रिकानस नाम के एक कैरेक्टर से मिलता है जो उसके गाइड का काम करता है, और उसको वो एक गार्डन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सीपियो एफ्रिकानस एक गाइड है नरेटर का, जो नरेटर को एक गार्डन की तरफ लेके जा रहा है। ये गार्डन एक बहुत ब्यूटीफुल रिवर के बैंक में सिचुएटेड है जहाँ पे वीनस का एक टेम्पल है, और नरेटर यहाँ पर रुकता है और फिर वो डिस्क्राइब करता है कि आगे क्या होता है। सो नरेटर देखता है कि इस गार्डन के कॉर्नर में एक पार्लियामेंट चल रही है, जैसा कि टाइटल है द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, मतलब ये किसी पार्लियामेंट के बारे में है। सो ये पार्लियामेंट ह्यूमंस के बारे में नहीं है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, ये एक बर्ड्स की पार्लियामेंट है। सो हियर बर्ड्स आर पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है।
बिकॉज बर्ड्स के नॉट टॉक, दे के नॉट डिस्कस, फाइन, दे के नॉट डिबेट, सो इट्स अ ह्यूमन फैकल्टी टू टॉक और डिस्कस. बट यहाँ पर बर्ड्स को डिस्कशन करते हुए, डिबेट करते हुए दिखाया गया है, तो ऑफकोर्स बर्ड्स को पर्सोनिफाई किया गया है. तो अब क्या हो रहा है कि ये बर्ड्स आपस में डिस्कस कर रही हैं. पोएट बहुत क्यूरियस फील करता है और वो देखता है कि किस बारे में वो पार्लियामेंट चल रही है. नाउ पोएट वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि इस पार्लियामेंट को द मदर नेचर है वो प्रिसाइड कर रही हैं. सो द नेचर हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ ब्यूटीफुल वुमन और ब्यूटीफुल डेटी, ब्यूटीफुल गॉडेस के फॉर्म में यहाँ पर नेचर को प्रेजेंट किया है जो कि इस पार्लियामेंट को प्रिसाइड कर रही हैं या फिर इसे सुपरवाइज कर रही हैं. यहाँ पर मदर नेचर के आर्म में तीन यू नो बर्ड्स बैठती हैं, तीन फीमेल बर्ड्स या फिर ईगल कह सकते हैं, तीन फीमेल ईगल्स उनके आर्म में बैठी हुई हैं और इन तीन फीमेल ईगल को कोट कर रहे हैं या उनको प्रपोज कर रहे हैं तीन मेल ईगल्स. सो द फीमेल ईगल्स आर वेरी रिलक्टेंट और दे आर शोविंग लाइक देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ देयर लवर्स. सो जो उनकी डिसेंसी है उसको एक और तरह की बर्ड है जो बहुत ज़्यादा मॉक कर रही है या उसका मजाक बना रही है. यहाँ पे गूज बर्ड मेंशन्ड है. तो ये जो गूज बर्ड है ये बहुत ज़्यादा मजाक बना रही है फीमेल ईगल की इस कॉन्स्टेंसी को या उनकी जो ये डिसेंसी है, उनका जो भी ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ यू नो डिनाइंग देयर लवर्स विद डिसेंसी, इसको ये बहुत सारा मजाक बना रही है. नेक्स्ट वर्क की तरफ हम बढ़ते हैं. ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, ये भी जेफरी चौसर का इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको 1380s में चौसर ने कंपोज किया था. और इस वर्क को लिखने के लिए जेफरी चौसर ने इंस्पिरेशन ली है बोकैशियो की फिलास्ट्रेटो से. फिलास्ट्रेटो बोकैशियो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि उसने अपनी बिलविट को डेडिकेट किया था. अगेन राइम रॉयल में लिखा गया है. यहाँ पर पेंडारस या फिर पेंडेयर एक ह्यूमरस कैरेक्टर है जिसे बोकैशियो ने जो इस वर्क की हीरोइन है ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, ऑफ कोर्स ट्रॉयलस इज़ द हीरो एंड क्रिसीड इज़ द हीरोइन ऑफ दिस पोएम. सो जो क्रिसीड है उसके ब्रदर के फॉर्म में हमको बोकैशियो ने इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन चौसर के ट्रॉयलस एंड क्रिसीड में पेंडारस को पेंडेयर लिखा गया है और पेंडेयर को क्रिसीड के अंकल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है. यहाँ पे हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. ट्रॉयलस हीरो है, ऑफ कोर्स इस पोएम का हीरो है और वो ट्रॉय की साइड से एक वॉरियर है, एक फाइटर है. और हीरोइन हमारे पास क्रिसीड है जो कि एक ग्रीक विडो है. थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज डायोमीड. डायोमीड भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पेंडेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पोएम के अंदर. तो आप समझते हैं कि इस पोएम की स्टोरी लाइन क्या है, कैसा इसका प्लॉट है. इस पोएम के बारे में थोड़ा और ज़्यादा हम समझते हैं. देखिए इस पोएम का जो डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत सारे क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है. इसे फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है क्योंकि ये पोएम है, उल्दो ये एक पोएम है लेकिन इसकी जो नरेटिव जेन्युइननेस है ना उसकी वजह से इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया है. जिस तरह से नॉवल्स को नरेट किया जाता है उसी तरह से इस पोएम में हमको नरेटिव टेक्निक का यूज़ दिखाई देता है. एंड क्रिसीड जो इसकी हीरोइन है उसका जो कैरेक्टर है दैट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग, वेरी बोल्ड एंड शी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हीरोइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. क्योंकि उनकी जो साइकी है, जो इसकी हीरोइन है क्रिसीड की साइकी है, उसकी लेयर्स को जेफरी चौसर ने प्रेजेंट किया है. वो किस तरह से सोच रही है, किस तरह से वो एक्ट कर रही है, बहुत डीपली इन सारे मोमेंट्स को उसने कैप्चर किया है. तो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच के साथ यहाँ पर चौसर
पोएम को डिस्क्राइब करता है। पोएम का जो नरेशन है वो बहुत सिंपल है। ट्रॉयलस हमारे पास हीरो है, तो जो जैसा मैंने बताया वो ट्रॉय की साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रोजन वॉर के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। ट्रोजन वॉर ट्रॉय एंड ग्रीक के बीच में लड़ा गया था। एक बहुत बड़ा वॉर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में माना जाता है। ट्रॉय की साइड से यहाँ पर जैसा मैंने बताया ट्रॉयलेस एक वॉरियर है, उसमें आप कह सकते हैं एक सोल्जर है या उस साइड से वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और ट्रॉयलेस की जो एनिमी आर्मी है, ट्रॉय की जो राइवल आर्मी है वो है ग्रीक आर्मी। तो ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स के बीच में ये वॉर हो रहा है। यहाँ पर क्रिसीड जो है वो ग्रीक आर्मी से कोई प्रोटेक्शन रिसीव नहीं कर पाती है, तो उसको ट्रोजन आर्मी कैप्चर कर लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। नाउ जो क्रिसीड है इसको एज अ विडो हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सो शी वॉज वेयरिंग ब्लैक हैबिट, ब्लैक उसने आउटफिट्स पहने हुए थे। ट्रॉयलेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ हीरो हु वॉज स्कॉर्नफुल ऑफ लव। मीन्स जो ट्रॉयलेस है वो एक बहुत हेटफुल स्पीच दे रहा है। लव का जो कंसेप्ट है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में वो बहुत हेटफुल स्टेटमेंट्स दे रहा है। नाउ ही कोइंसिडेंटली ही कम्स अक्रॉस क्रिसीड, जो कि एक टेम्पल में फेस्टिवल को अटेंड कर रही थी। वियरिंग हर ब्लैक हैबिट, अपने ब्लैक आउटफिट्स को पहन करके वो उस टेम्पल में खड़ी थी। सो ट्रॉयलेस एक अट्रैक्शन फील करता है क्रिसीड के लिए। एंड पिंडार जो कि क्रिसीड का अंकल है और ट्रॉयलेस का बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसे इस बारे में जब पता चलता है तो ही ट्राइज टू अरेंज अ मीटिंग फॉर देम। वो एक सिचुएशन प्लॉट करता है जिसमें ट्रॉयलेस को एंड क्रिसीड को बुलाया जाता है। ऑल्दो दे वर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर प्रेजेंस, सो दे शेयर बेड विथ ईच अदर। एंड जब क्रिसीड एंड ट्रॉयलेस एक साथ हैं तो वो कुछ प्रॉमिसेस शेयर करते हैं। एंड क्रिसीड यहाँ पर ट्रॉयलेस से कहती है कि एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी इज़ सपोज टू लीव ट्रॉय, उसको ग्रीक आर्मी के साथ चली जाना है। बट शी प्रोमिसेस ट्रॉयलेस टू कम बैक ऑन द 10th डे। यहाँ पर एक ऑबिड AUBAD ऑबिड होता है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ लवर्स, वो हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। एंड जो क्रिसीड है वो अब चली जाती है ग्रीक आर्मी के साथ। एंड ट्रॉयलेस वेट करता है उसके आने का, बट क्रिसीड नहीं आती है। जब क्रिसीड ग्रीक आर्मी के साथ जा रही है तो उसको डायमीट नाम का एक सोल्जर मिलता है जो उसको फॉलो करता है या उसको स्कॉट करता है। एंड क्रिसीड को ये फील होता है कि वो कभी वापस ट्रॉयलेस से नहीं मिल पाएगी। मीनवाइल डायमीट क्रिसीड को प्रपोज करता है, वो डायमीट को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से जो क्रिसीड है वो डायमीट के लिए कमिटेड हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा ट्रॉयलेस है हीरो, इसको बहुत मिजरेबल सिचुएशन में दिखाया गया है, क्योंकि वो वेट करता है क्रिसीड के आने का, क्रिसीड नहीं आती है। वो सिटी गेट के पास उसको देखता रहता है और वहाँ से जितनी भी चैरियट्स वो देखता है, जितनी भी कोच वो देखता है, जो भी गाड़ियाँ वो देखता है, हर एक चैरियट के अंदर वो क्रिसीड के लिए पूछता है। बट ही फाइंड्स नो क्रिसीड देयर। सो ही फील्स बिरीव्ड एंड ही फील्स होपलेस। और वो जो सिचुएशन है बहुत पैथेटिक है ट्रॉयलेस की। इसके बाद ट्रॉयलेस को वॉर फील्ड में दिखाया जाता है। एंड डायमीड भी जो है वो ग्रीक आर्मी की साइड से ट्रॉयलेस से फाइट कर रहा है। ऑफकोर्स दे वर नॉट फेमिलियर विथ ईच अदर, उन दोनों को पता नहीं था कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी है, तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसी बीच क्या होता है कि ट्रॉयलेस डायोमीट का
जो क्लॉक है उसका जो एक तरह का ओवरकोट है उसको देखता है, जिसमें एक ब्रूच है, और उस ब्रूच को जो ट्रॉयलस है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि इस ब्रूच को ट्रॉयलस ने क्रिसीड को दिया था. नाउ ट्रॉयलस फील्स कि ये जो ब्रूच है वो क्रिसीड ने डायमीड को दिया है, इट मीन्स नाउ शी इज़ कमिटेड टू डायमीड, एंड दिस रिवोल्यूशन ब्रोक हिज हार्ट. और इसके साथ जो है वो ट्रॉयलस बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और इसी फायर्सनेस के साथ वो बैटल फील्ड में फाइट करने लगता है. इवेंचुअली ट्रॉयलस डाइज, और जो नेक्स्ट सीन है उसमें ट्रॉयलस हेवन में कहीं पर है और हेवन से वो नीचे देख रहा है बैटल को होते हुए. सो बहुत सरकास्टिक और डाइडेक्टिक नोट के साथ वो इस पोएम को एंड अप करता है. ट्रॉयलस एम्फसाइज करता है कि जो ह्यूमन लव है दैट इज़ फ्यूटाइल सॉर्ट ऑफ लव. तो जो ट्रॉयलस है वो कहता है कि ह्यूमन लाइफ शुड बी इन्वेस्टेड टू स्पिरिचुअल लव. जो स्पिरिचुअल लव है इट इज़ द ओनली वे टू एलिवेट योर सोल. जो ह्यूमन लव है इट इज़ ऑफ नो यूज़. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क चौसर का द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, अगेन अ ड्रीम एलेगरी. दिस वर्क वॉज इंस्पायर्ड बाई डेस्चैम्स. इट रिमेन्ड अनफिनिश्ड पोएम है. यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं जेफ्री चौसर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ड्रीम एलेगरी के साथ, क्योंकि जैसा अभी तक हमने नरेटिव पैटर्न देखा था सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है. जेफ्री चौसर अपने ड्रीम में अपने आप को पाते हैं और अपने सामने उन्हें क्यूपिड एंड एलसेस्ट जो है वो दिखाई देते हैं. तो क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव है एंड एलसेस्ट इज़ हिज वाइफ. एलसेस्ट उनकी वाइफ है. नाउ क्यूपिड इज़ वेरी एंग्री ऑन जेफ्री चौसर और ऑन अवर नरेटर. तो क्यूपिड की कंप्लेन ये है कि जेफ्री चौसर ने लव का जो कंसेप्ट है इसका मजाक बनाया है. उन्होंने जो लास्ट वर्क लिखा था जिसे अभी हमने पढ़ा था ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, क्योंकि यहाँ पर लव को फ्यूटाइल बताया है ट्रॉयलस ने. तो ये चीज़ क्यूपिड को अच्छी नहीं लगती है जो गॉड ऑफ लव है, और वो अभी चौसर को या नरेटर को पनिश करने के मूड में है. बट एलसिस्ट जो उनकी वाइफ है शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पोएट. वो उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है. तो नाउ अब ये डिसाइड होता है कि चौसर को अगर क्यूपिड के रथ से बचना है, उनके एंगर से बचना है, तो उनको वर्चुअस वीमेन के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्रिसीड जैसी वीमेन के बारे में लिखा था जो कि फेथलेस थी अपने लवर के लिए. तो अब चौसर की पनिशमेंट ये है कि वो वर्चुअस वीमेन के बारे में लिखेंगे, फेथफुल वीमेन के बारे में लिखेंगे जो अपने हस्बैंड्स के लिए या फिर अपने लवर के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल रही थी. यहाँ पर इन फाइव वर्चुअस वुमेन का जो नेम है इसको याद करने की ज़रूरत है आपको. आप चाहें तो नोट्स बनाकर रख लें. क्लियोपेट्रा, मीडिया, लुकरेस, एरियाडने एंड फिलोमेला. ये कुछ लेजेंडरी एंड मिथिकल वीमेन हमारे पास हैं जिनको इस पोएम के अंदर जेफ्री चौसर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि ये सारी वीमेन अपने हस्बैंड्स के लिए एंड अपने लवर के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल थी. द फाइनल वर्क ऑफ जेफ्री चौसर इज़ द कैंटरबरी टेल्स, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है जेफ्री चौसर का. इस वर्क को जेफ्री चौसर ने 1387 में लिखा था, और इस के लिए वो बोकैशो के डी कैमरून से इंस्पायर हुए थे. डी कैमरून बोकैशो का वर्क है, इसका इन्फ्लुएंस इस वर्क पे डायरेक्टली हमको देखने को मिलता है. तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जैसा कि मैंने इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया है कि द कैंटरबरी टेल्स में हमारे पास 30 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी
जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और उनकी जर्नी एक पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज इन हिंदी तीर्थ यात्रा को कहते हैं। तो इस द कैंटरबरी टेल्स में क्या है कि 30 पिलग्रिम्स एक जगह पे मिलते हैं, जिस जगह का नाम है टबाल्ट इन। ये एक इन है, और यहाँ पर ये 30 पिलग्रिम्स एक साथ बैठते हैं एंड दे डिसाइड टू लाइक गो ऑन अ पिलग्रिमेज टुगेदर। नाउ दे मेक अ स्ट्रैटेजी कि अपना एक अच्छा टाइम पास करने के लिए या एक अच्छा लाइक वैल्यूबल टाइम स्पेंड करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। उनको टेल सुनानी चाहिए, हर किसी को दो दो टेल सुनानी है, ये डिसाइड होता है। सो वी हैव 30 कैरेक्टर्स, तो हर एक कैरेक्टर्स 4 स्टोरीज सुनाएगा। 2 स्टोरीज श्राइन तक जाने के लिए, क्योंकि ये जो 30 कैरेक्टर्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये पिलग्रिमेज पे हैं, मतलब एक तीर्थ यात्रा पे हैं, और इनका तीर्थ कहाँ पर है, केंटरबरी में है। सो केंटरबरी में एक श्राइन है, श्राइन मीन्स तीर्थ है, श्राइन ऑफ सर थॉमस ए बैकेट। यहाँ ये सारे सारे पिलग्रिम्स जाना चाहते हैं। तो टू पास देयर टाइम दे डिसाइड टू नरेट स्टोरीज, 2 स्टोरी जाते टाइम और 2 स्टोरीज जब वो वहाँ से वापस लौटेंगे उस टाइम पे उन्हें सुनानी होंगी। इन टोटल 4 स्टोरीज एक पर्सन को ईच 4 स्टोरीज सुनानी है, ये डिसाइड होता है इनके बीच। सो दिस वर्क ऑल्सो रिमेंड अनफिनिश्ड। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं, वो ये कि कुछ नॉस्टैल्जिक पोर्ट्रेल्स हमारे पास इसमें आते हैं, जैसे नाइट है, पार्सन है एंड प्लोमैन है। ये वर्चुअस कैरेक्टर्स भी हैं इस पोएम के अंदर। और कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी हमें इस पोएम में मिलते हैं, जैसे 1381 का पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ फार्मर्स अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स, इट रिसीव्ड द एड ऑफ द प्रीस्ट जॉन बॉल। सो 1381 में एक प्रोटेस्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम पीजेंट रिवॉल्ट कहते हैं। इसमें बहुत सारे पीजेंट्स ने या फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये रिवॉल्ट जो था वो रेज हुआ था मोनार्की के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने टैक्स इंक्रीज किया था। ये सारे रेफरेंसेस हैं, जैसे द राइस ऑफ विकलिफ, विकलिफ का जो राइस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से रिफॉर्मेशन आया था, रिफॉर्मेशन मोमेंट भी इन्हीं की वजह से आया था। ब्लैक डेथ का भी हमको रेफरेंस इस पोएम के अंदर मिलता है। बाकी द कैंटरबरी टेल्स के बारे में एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टेल्स हैं वो सारी टेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन टेल्स के ऊपर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं उसके लिए कोई सजेशंस हैं आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।